हेलो फ्रेंड्स, हाय, कैसे? वेलकम वेलकम टू इंफोटेक चैनल, आपका स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ वोटर आईडी से रिलेटेड वीडियो। यानी अगर आपको वोटर आईडी बनाना है, मतदान कार्ड आपको बनाना है, तो किस तरीके से बनाया जा सकता है, आप ऑनलाइन किस तरीके से खुद अपना इलेक्शन कार्ड बना सकते हैं मोबाइल के थ्रू, या फिर आप अपने लैपटॉप डेस्कटॉप के थ्रू ऑनलाइन अप्लाई किस तरीके से करना है, कौन से डॉक्यूमेंट आपको वहां पे लगने वाले, वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो में देने जा रहा हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो में बने रहिए, और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक जरूर कर ले, क्योंकि यहां दी जाती है कुछ खास इन्फॉर्मेशन जो कंप्यूटर से रिलेटेड होती है, मोबाइल से रिलेटेड होती है, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट की अनबॉक्सिंग भी हम यहाँ पे करते हैं, और ऑनलाइन की सारी इन्फॉर्मेशन इस चैनल पे दी जाती है। तो दोस्तों, लाइक और शेयर तो बनता है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट कर लेते हैं। आपको जो है वोटर आईडी बनाना है, तो वोटर आईडी बनाने के लिए आपको जाना होता है इस वेबसाइट के ऊपर में, www.nvsp.in। इस वेबसाइट पे जाने के बाद में नेशनल वोटर्स सर्विस पोर्टल जो है ये दिया गया है। इसमें लैंग्वेजेस दी गई है, आप हिंदी में ले सकते हैं और इंग्लिश में ले सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी वेबसाइट है जो पूरे वर्ल्ड पूरे इंडिया के अंदर में चलती है, इसलिए इसमें दो ही लैंग्वेज दी गई, हिंदी जो ऑल ओवर इंडिया में चलती है और इंग्लिश जो सभी को समझ में आती है। तो इस तरीके से दो ही लैंग्वेज में ये वेबसाइट बनाई गई है। अब जो है अगर आपको रिफ्रेश अगर फ्रेश आपको वोटर आईडी बनाना है, तो आपको यहाँ क्लिक करना होता है, और अगर आपने रजिस्टर कर लिया है ओवरसीज करना है यानी उसके अंदर में कुछ चेंजेस करने हैं, तो इस पर क्लिक करना होता है। आपको कुछ डिक्लेरेशन करनी है, यानी आपको इलेक्ट्रॉनिकली रोल मोड में नाम डालना है, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना होता है। इस तरीके से सारे ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं, लेकिन आज जो हम ये वीडियो लेके आए हैं वो है सिर्फ और सिर्फ न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए। यानी आपको वोटर आईडी बनाना है, वो भी पर्सनल आपका, तो उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। तो इस वेबसाइट को याद रखें, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, वहाँ पर जाकर आप जो है इस वेबसाइट पर क्लिक कर जो है आप अपना वोटर आईडी बना पाओगे, या फिर आपको रिन्यू करना है या फिर उसके अंदर चेंजेस करने हैं, वो सारी चीज़ें आप कर पाओगे। तो पहला जो वीडियो है मेरा वो है सिर्फ वोटर आईडी आपको रजिस्ट्रेशन किस तरीके से करना है उसके ऊपर में। तो सबसे पहले आप क्लिक कर देंगे अप्लाई ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ न्यू वोटर ड्यू टू द शिफ्टिंग फ्रॉम एसी, इस पर क्लिक कर देना है। इस बटन पर जब हम क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पे आपको 6 नंबर का फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा, यानी 6 नंबर का फॉर्म आपको वहाँ पे मिल जाएगा, जहाँ पे आप जो है लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं, या तो आप मलयालम लो या फिर इंग्लिश लो या फिर आप हिंदी ले सकते हैं। हम यहाँ पे इंग्लिश सेलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि जनरली होता ही है कि कुछ वर्डिंग हिंदी के हमारे समझ में नहीं आ पाते हैं, तो हम जो है वहाँ से इंग्लिश को सिलेक्ट कर लेंगे। सबसे पहले आपको सिलेक्ट करनी होती है आपके स्टेट आपने वहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है। स्टेट सिलेक्ट करने के बाद आप वहाँ पे कुछ देर वेट करना ज़रूरी है। उसके बाद में आपको सिलेक्ट करना है आपको डिस्ट्रिक्ट, कौन से डिस्ट्रिक्ट को आप बिलोंग करते हैं वो डिस्ट्रिक्ट आपने सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में आपको लेना है आपका तालुका, या फिर आप जिस रीजन में आते हैं वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। जैसा कि हम यहाँ पे अगर तालुका इस टाइप के कोई तालुके में आते हैं तो ये ले सकते हैं, या फिर आप यवतमाल में रहते हैं तो यवतमाल डिस्ट्रिक्ट ले लिया हमने। उसके बाद में एज फर्स्ट टाइम वोटर, क्या आप फर्स्ट टाइम वोटर बना रहे हैं तो यहाँ सेलेक्ट करना है। ड्यू टू शिफ्टिंग फ्रॉम द अनदर कंसल्टेंट, अगर आपको कुछ उसके अंदर में चेंजेस करना है तो आपको यहाँ सेलेक्ट करना होता है, लेकिन हम जो है नया वोटर आईडी बना रहे हैं तो एज अ फर्स्ट टाइम वोटर बटन पे क्लिक करेंगे। यानी आप 18 साल के अब हो रहे हैं, या फिर आपने कभी इलेक्शन के लिए वोटर आईडी बनाया नहीं था, तो आप इस बटन पे क्लिक करेंगे। और अगर आप शिफ्ट हुए हैं, यानी आपके नाम में कुछ चेंजेस हुए, तो आप यहाँ पे सिलेक्ट करना है। अब जो है सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना होता है आपका नाम, यानी आप किस नाम से वोटर आईडी बनाना चाहते हैं वो आपको सिलेक्ट करना होता है। जैसे हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया तो यहाँ पे जो है आपका ऑटोमेटिकली हिंदी में मराठी में आ जाएगा, जैसा कि हम यहाँ पे लिख लिया है, देखिए आ चुका है। देखिए अखलाक्षेक हमने लिखा, अखलाक्षेक आ चुका है। सरनेम हम लिख रहे हैं तो सरनेम वहाँ पे आ जाएगा। अगर आपका सरनेम है इस टाइप का तो वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में आपका जो है नेम ऑफ रिलीवेंट, यानी आप जो आपका रिलीवेंट है उसका नाम वहाँ पे डाल सकते हैं, यानी फादर का नाम या फिर आपका जो भी आपको नाम डालना है वो डाल सकते हैं, वरना उसे ब्लैंक छोड़ना नहीं है, वहाँ पे आपको आपको रिलीवेंट का नाम डालना ज़रूरी है। जो सरनेम है ये ब्लैंक छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये मैंडेटरी फील्ड नहीं है। आपको यहाँ पे जो भी मैंडेटरी फील्ड है, यहाँ पे स्टार दिखाई दे रहा है वो आपको ले लेना है। उसके बाद टाइप ऑफ रिलेशन, आपका जिसका आपने रिलीवेंट का नाम लिखा था उसके साथ में आपका क्या रिलेशन है, यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना होता है। जैसे कि फादर है, मदर है, ब्रदर है, सिस्टर है, जो भी है अपने वहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में आपकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डाल देनी होती है। उसके बाद में डेट ऑफ बर्थ जो है यहाँ पे आपको, जैसे ही आप डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे तो आपकी डेट ऑफ बर्थ अगर आपको प्रॉपरली याद नहीं है तो आप इस पर सिलेक्ट कर जो है मंथ और डेट यहाँ से आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको यही ऑप्शन लेना बेटर रहेगा।
उसके बाद में जेंडर आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना होता है, जो भी आपका जेंडर है, मेल फीमेल या ट्रांसजेंडर जो भी है आपको। उसके बाद में आपका पूरा एड्रेस यहाँ पे डालना है। उसके बाद में स्ट्रीट स्ट्रीट आपको डाल देना है, आपका लोके यानी टाउन यानी आप जिस डिस्ट्रिक्ट में या शहर में रहते हो, शहर का नाम, विलेज का नाम, पोस्टल आपका पोस्ट ऑफिस कहाँ का है वो पोस्ट ऑफिस का नाम, पिन कोड आपको डाल देना है। उसके बाद में अगर आपका परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप ये सेम एज अबव पे क्लिक कर देंगे। सेम अबव पे क्लिक करने के बाद में आपको स्टेट वगैरह जो है कुछ सिलेक्ट करना नहीं है, ऑटोमेटिकली यहाँ पे सारी चीज़ें आ जाएगी। उसके बाद में आपको यहाँ पे देना है, अगर आपको कोई डिसेबिलिटी है तो आप यहाँ से डिसेबिलिटी का टाइप यहाँ से ले सकते हैं और कितने परसेंट है वो आपको डाल देना है। ईमेल आईडी आपको डालना है, आपका मोबाइल नंबर डालना है, उसके साथ आपको डालने हैं आपके डॉक्यूमेंट यानी योर फोटोग्राफ, आपका फोटोग्राफ। उसके बाद में एज प्रूफ, जिसके अंदर में आप यहाँ पे ऑप्शन दिए गए, बर्थ सर्टिफिकेट लगा सकते हैं, टीसी मार्कशीट लगा सकते हैं, इंडियन पासपोर्ट लगा सकते हैं, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर आधार कार्ड आप लगा सकते हैं। एड्रेस प्रूफ के अंदर में भी इसी तरीके से ऑप्शन दिए गए हैं, इंडियन पासपोर्ट लगा सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक पासबुक, राशन कार्ड लगा सकते हैं, इनकम टैक्स का अगर रिसिप्ट है वो लगा सकते हैं, रेंट एग्रीमेंट है वो लगा सकते हैं, वाटर बिल है, टेलीफोन बिल है, इलेक्ट्रिक बिल है, गैस का बिल है, या इस टाइप से जो भी आपके पास में अवेलेबल है वो आप सब चीज़ें लगा सकते हैं। उसके बाद में आपको यहाँ पे विलेज लिखना है, विलेज लिखने के बाद में यहाँ पे आपको स्टेट सिलेक्ट करनी है, डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है, और कब से आप रहते हैं, कितने साल से आप रहते हैं, तो यहाँ पे आपको डेट एक अप्रॉक्सीमेटली जो भी आपको डेट याद है वो डेट यहाँ पे डाल दे कि इतने साल से हम रहते हैं, तो वहाँ पे आ जाएंगे कि आप 20 ईयर से, 30 ईयर से, जो है 30 ईयर से या फिर 10 ईयर से जो भी आप रहते हैं वहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। आपको यहाँ पे सिर्फ डेट सिलेक्ट करनी है। उसके बाद में आपको अगर ये और में अगर आप आते हैं तो ये ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, लेकिन आप इसे ना ले, आप जो है फर्स्ट ऑप्शन को ले, माई नेम हैज़ ऑलरेडी बीन इंक्लूडेड इन द इलेक्शन रोल लिस्ट फॉर अनदर असेंबली परमानेंटली, ये जो ऑप्शन है इसे सिलेक्ट कर ले, ऑटोमेटिक सिलेक्ट होता है। इसके बाद में प्लेस आपको यहाँ पे लेने हैं, आपका जो भी प्लेस है यानी यवतमाल से आप भर रहे हैं, नागपुर से भर रहे हैं, अमरावती से भर रहे हैं, बुल्ढाना से भर रहे हैं, जो भी डिस्ट्रिक्ट आपका या फिर जो शहर है आपका, तो उस गाँव का नाम आप वहाँ पर ले लें। उसके अंदर कैप्चा कोड लगाकर जो है आपको सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। इस तरीके से आप फॉर्म को भर सकते हैं। अब जो है आगे मैं आपको बताऊंगा कि फॉर्म किस तरीके से भरा गया है, थोड़ा सा उसके अंदर मैं साउंड वगैरह में म्यूजिक वगैरह डाल दूंगा, या फिर हो सकता है थोड़ी बहुत फास्ट में आपको वहाँ पे प्रोसेसिंग बता दूंगा, तो वो आप आगे देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। मैंने जैसे पहले बताया तो वन बाय वन फील्ड को आपको फिलअप करना है, जैसे कि आप अपना नाम डाल दें, नाम डालने के बाद में आपका जो है पूरा नाम, आपका जो है सरनेम आप वहाँ पे डाल सकते हैं, रिलेवेंट का नाम यानी आपके फादर का नाम या फिर आपके हस्बैंड का नाम, अगर आप मिसेस का बना रहे तो हस्बैंड का नाम डाल दें। और इस तरीके से आप जो है जिसका भी आपके पास वोटर आईडी कार्ड है पहले का, तो उसका नाम वहाँ पे डाल सकते हैं, रिलेशन वहाँ पे डाल देना है कि कौन सा रिलेशन आपका उसके साथ में है। उसके बाद में ये सारी फील्ड जो आपको बताई गई है थोड़ा सा हाइडन करके बताया जा रहा है, क्योंकि यह सिक्योरिटी रीज़न है कि किसी का नाम वगैरह हम डायरेक्टली हाईलाइट नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें होता ये है कि अगर हम उसका नाम वगैरह हाईलाइट कर देते हैं तो हो सकता है उसका मिसयूज़ हो जाए। उसके बाद में आपको फोटोज़ वगैरह अपलोड करनी होती है, जैसा कि यहाँ पे तीनों चार ऑप्शन मैंने पहले बताया था कि तीनों चार ऑप्शन वहाँ पे दिखाई देते हैं, फोटो आपको अपलोड करना है। उसके बाद में बर्थ सर्टिफिकेट आपको वहाँ पे लगा देना है, और उसके बाद में जो है इलेक्ट्रिक बिल वगैरह आप वहाँ पे लगा सकते हैं, जो भी आपको लगाना है वो आप वहाँ पे सिलेक्ट कर वन बाय वन ऑप्शन के थ्रू लगा सकते हैं। जैसा हम यहाँ पे पहले जो है सिलेक्ट कर लेते हैं, फोटोज हमने जो भी इन्फॉर्मेशन फीडअप की है वो प्रॉपरली आप फीडअप करें, उसके अंदर में कोई गलती ना करें। अभी यहाँ पे हमने फोटो लगा देना है, जो भी आपका फोटो है यहाँ पे लगा दिया। उसके बाद में आपको बर्थ सर्टिफिकेट यानी बर्थ सर्टिफिकेट लगाने के बाद में सिलेक्ट करना है कि बर्थ सर्टिफिकेट हमने लगाया। उसके बाद में वो आप जो है आधार कार्ड आप लगा सकते हैं, आधार कार्ड थर्ड ऑप्शन में दिया गया है, बैंक पासबुक अगर आपको लगा देनी है, जो भी आपने वहाँ पे सिलेक्ट किया है वो ऑप्शन आपको ले लेनी है, कितने साल से आप वहाँ पे रह रहे हैं वो सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे आपको लेनी होती है। इस तरीके से हम वन बाय वन सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद में जो है उसको जो है सबमिट करना है, क्योंकि अगर हम वहाँ पे सबमिट नहीं करते हैं तो वो फॉर्म आगे नहीं बढ़ पाएगा। ये सारी इन्फॉर्मेशन हमने फिडअप कर दी, फिडअप करने के बाद में कितने साल से आप रह रहे हैं वो आपने वहाँ पर ले लिया, जैसे यहाँ पे हम सिलेक्ट कर रहे हैं कि कितने ईयर हो गए हम वहाँ पे रहते हैं, जिस शहर में, डिस्ट्रिक्ट में, विलेज में, वो आपने सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद प्लेस यवतमाल, उसके बाद में आपका कैप्चा कोड और सबमिट बटन पे क्लिक करना है। सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद में एक प्रोसेसिंग होगा, यानी वहाँ पे आपका कुछ प्रोसेसिंग चलेगा, वहाँ पे आपको वेट करना है। अगर वहाँ पे कुछ गलती हम करते हैं तो वो ऑप्शन आगे नहीं बढ़ पाएगा। फ़ोटो अगर छोटी कम ज़्यादा होती है तो आपको फ़ोटो को जो है रिसाइज कर लेना है, फ़ोटो का साइज़ कम ज़्यादा जो है प्रॉपरली सिलेक्ट करना है, क्योंकि जनरली होता है कि फ़ोटो का साइज़ अगर ज़्यादा है तो वो नहीं ले पाता है। आपको फ़ोटो का साइज़ प्रॉपरली लेकर जो है वन बाय वन सारे ऑप्शंस को सिलेक्ट करना है।
सर यहाँ पे देख रहा है कि वन बाय वन सारे ऑप्शन हमने सिलेक्ट कर लिए, कैप्चा कोड लगा दिया, उसके बाद में सिंस ईयर कितने साल से हम वहाँ पे रह रहे हैं वो सारी चीज़ें हमने वहाँ पे लगा दी, और सारी चीज़ें लगाने के बाद में सबमिट बटन पे क्लिक करना है। लास्ट में ये चीज़ को एक बार रीड कर लें, क्योंकि अगर वहाँ पे हम गलती करते हैं, कोई भी एक आधी फील्ड छूट जाती है, तो आपका फॉर्म आगे नहीं बढ़ पाएगा। अभी हम देख रहे हैं वन बाय वन हमने सारे ऑप्शंस को ले लिया है। दोस्तों इस वीडियो को पूरी तरीके से अच्छी तरीके से देखें, क्योंकि इलेक्शन कार्ड एक ऐसी चीज़ होती है जो आपकी नेशनलिटी बताती है, इसके अंदर कोई गलती ना करे। अगर हम गलती करते हैं तो आपका नाम में मिस्टेक हो सकता है, आप जो है देश के यानी देश के अंदर रहते हैं और उसके अंदर गलत इन्फॉर्मेशन डालेंगे तो वो एक क्राइम हो सकता है। तो आपको क्राइम से बचना है तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो है ट्रू डालनी है। अगर हम गलत डालते हैं तो वो इन्फॉर्मेशन नहीं ले पाएगा, ये फिर वो एक्सेप्ट तो हो जाएगा, लेकिन अगर कहीं वेरिफिकेशन होता है तो आपको जो है नेशनलिटी का जो है सिंबल जो मिलने वाला है उसमें आपके साथ में अड़चनी आ सकती है, परेशानी आपको आ सकती है। तो कभी भी जो है इन्फॉर्मेशन फिडअप करते समय एक चीज़ का ध्यान रखें कि सारी इन्फॉर्मेशन प्रॉपरली रखें, प्रॉपरली सिलेक्ट करें, हर चीज़ को प्रॉपरली लगे, क्योंकि इलेक्शन कार्ड बनाना कोई जो है एक नॉर्मल चीज़ नहीं बल्कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद हमें सबमिट कर देना है, सबमिट बटन पर क्लिक करने वाले एक प्रोसेसिंग होगा, आपका एक आईडी जनरेट हो जाएगा, उसे हम जो है राइट क्लिक करके प्रिंट आउट निकाल ले, ताकि आपके पास में वो आईडी और उसे जो है आपके नज़दीकी जो इलेक्शन कमीशन ऑफिस है वहाँ पे जाकर सबमिट कर दे। तो इस तरीके से आप सबमिट करने के बाद में आपको वोटर आईडी आपके घर पे आ जाएगा, और वोटर आईडी घर पे आने के बाद में आप जो है इस तरीके से ट्रैक भी कर सकते हैं स्टेटस पे जाकर, वहाँ पे आपका जो नंबर आपने सेलेक्ट किया था उसे आप कॉपी कर जो है ट्रैक कर सकते हैं वो नंबर डालकर, और जो है ट्रैकिंग में पता चलेगा कि आपका जो आईडी है वो कहाँ तक के पहुँचा है, क्या उसकी इन्फॉर्मेशन मिली है। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो जो इलेक्शन कार्ड से रिलेटेड था। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो या फिर इस वीडियो में आपको कुछ कमी लगी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ज़रूर बताएं, क्योंकि आपके कोऑपरेशन से ही आज हमारा चैनल काफ़ी अच्छी तरीके से चल पा रहा है। और अगर आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लाइक ज़रूर कर लें, क्योंकि यहाँ दी जाती है कुछ खास इन्फॉर्मेशन जो कंप्यूटर से रिलेटेड होती है, मोबाइल से रिलेटेड होती है, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट की अनबॉक्सिंग भी हम यहाँ पे करते हैं, और ऑनलाइन से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर सिखाई जाती है। और आगे की सीरीज में आपको बताने वाला हूं कि अगर आपको यूट्यूबर बनना है तो आपके लिए क्या जरूरी है, उसके एक सीरीज में चलाने वाला हूं। तो यूट्यूब सीरीज को बनने रहने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूले। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, थैंक यू।